problems and injustice to the result. Let's take one day at a time. Release ke din hi pata chalega because Friday is the decider. And yeah, we are excited and we are excited with the response also. Okay, jis tarah ka nayab tarika nikala hai Irfan ki hum baat kar rahe hain, PM se milne ki baat ho rahi hai, Kejriwal se milne ki baat ho rahi hai. Whose idea was this? Who's the brainchild of this? I guess it's the marketing team to start with. Or somewhere Irfan also feels that we should all do this because it is related to our issues in the film. So probably the political system and overall should be addressed. So probably yahi wajah hogi ke marketing team ne aur Irfan ne decide kiya. Okay, jis tarah se ab tak leak ho rahi hai film mein back to back, क्या आपने कुछ खास ध्यान रखा है इस बात का कि इस तरह की कोई गलती ना हो जाए या इस तरह की कोई लूप होल ना रहे जहाँ पे मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा कुछ स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लिए जाए बिकॉज इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट. हम सेम कम्युनिटी के हैं और बहुत बुरा लगता है कि ज़िंदगी के 2-2.5 साल लगते हैं एक पिक्चर बनाने में और जब एक पिक्चर वन ऑफ जस्ट इंटरनेट पे आ जाती है तो खून पानी जो गया है 2-2.5 साल का वो एक इवनिंग में ख़त्म हो जाता है. एंड आई रियली रियली फील बैड एंड आई फील सैड. किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए. We are trying our best but we don't have a particular agency in place. I guess we need an agency which would control all these things. थैंक यू सो मच. और फिर इरफान खान एज एन एक्टर मुझे लगता है लीडल कॉम्बिनेशन है तीनों का और 110% ये फिल्म टेक्निकली स्क्रिप्ट वाइज शूटिंग वाइज एक अपने आप में बहुत अच्छी फिल्म होगी और अपने दोस्तों को मुबारकबादी देने और ऑल द बेस्ट कहने मैं आज आया हूँ. इरफान बहुत ही इंटेलिजेंट शख्स है और फिर निशिकांत कामत भी और शैलेश को लगा कि क्योंकि पॉलिटिकली शैलेश बहुत एक्टिव है और चूंकि ये पॉलिटिशियन जो है यही देश को चलाते हैं तो लगा इनको कि शायद इनसे बात करके कुछ एडिशनल चीज़ें इनको शायद समझ में आएंगी या हो सकता है कि इस फिल्म का हिस्सा भी हो सकता है. तो ये अपने आप की सोच है और इरफान चूँकि बहुत ही इंटेलिजेंट है एंड वेरी वेल रेड एक्टर है आई थिंक उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वो इन नेताओं से मिला. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आज दो मिनट अच्छा जी आरडी बर्मा के संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस तरह के पंचमदा अपने आप में बहुत ही सिंगर और परफॉर्मर हैं. उनका कंपेरिजन किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ या म्यूजिशियन के साथ करना जायज़ नहीं है बिकॉज वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे और आज भी जब आप उनके गाने सुनते हैं उनके कंपोजिशन सुनते हैं उनके इफ़ेक्ट्स सुनते हैं गानों में तो लगता है कि ये एक अपने आप में एक नायाब म्यूज़िक डायरेक्टर हैं. कंपोजिशंस में उनकी मेलोडी उनका पूरा जो प्रेजेंस था कंपेरेबल किसी के साथ नहीं हो सकता. ओके उनके ऊपर बायोपिक बनाने की बात चल रही है क्या कहना चाहेंगे और कौन आपको लगता है कि बायोपिक के लिए आरडी के किरदार के लिए सूट होता है. आई थिंक वो डायरेक्टरी पे हम छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है. फिल्म मेकर पे छोड़ दें जो किसने कंसीव किया है पंचमदा को तो ज़्यादा बेटर होगा. मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ. इट इज़ 110% वो मेरे ख्याल अपने आप में इंस्टीट्यूशन है जबकि अपने आप में इंस्टीट्यूशन एक ऐसी शख्सियत है तो ऐसे लोगों पर ऐसे इंस्टीट्यूशन पर फिल्म बननी चाहिए. And I expect the story looks very interesting. So I haven't seen the film, but I expect to be excited by it, and I expect to be touched by it. We just said a word with Nishikant Kamar and said it's a political satire, which also talk about the political system in the current scenario. What your thought about the political system in the current scenario? My God, that is not a question that can be answered like this.
politics always, there's always huge room for improvement in any political system of any country. Same goes for India. And at the same time, I think India is also a vibrant democracy. So there's great possibility when there's a vibrant democracy. The way Irfan promoted the film, you know, he wished to meet Narendra Modi and Arvind, he met Arvind Kejriwal, if I'm not wrong. What would be some of the whole strategy of promoting a film where you're meeting all the so-called big leader of India? Well, you know, if through using the excuse of a film, if one gets to meet people, why not? I think it's a great idea. Thank you so much. Thank you. Going on where people are planning a biopic on Adi Barman. On? Adi Barman. What's your take on that? Adi Barman is one of India's. A biopic on him would be very interesting, provided it really shows all the hidden facets of his life. Then I'd be really looking forward to it. There are also reports going around where Aamir Khan is suggested to play the Adi Barman. I think it'd be wonderful. Whom do you see as a perfect Adi Barman? Oh God, I don't know. I don't know. Somebody a little cute and podgy. But deeply talented and brilliant. So, I don't know, there'll be many, many. Who I think Aamir would be a good idea. Yeah. Whom do you think Aamir, whom do you think Asha can be played by Asha Bhosle? I don't know, my God. Maybe Priyanka. You want Priyanka? Yeah, sure, why not? She's wonderful. She sings also. Okay, I have to go. Thank you, ma'am. It is the way they're promoting the film. Nishikant is a favorite filmmaker for me. Irfan is an actor jisko. ऐसा मैं 15 साल से सोच रहा हूँ कोई अच्छी स्क्रिप्ट लिखूँ तो उसको सुनाऊँ तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ धमाल ही होगा अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज प्रोसेस गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री पीपल आर प्लानिंग टू मेक अ बायोपिक ऑन आरडी व्हाट यू वांट टू से मदारी की बात करते हैं ना पंचमदा के बारे में अभी यहाँ क्या बात करेंगे मतलब पंचमदा के बारे में फिल्म बनाए तो अच्छी आई लव म्यूजिक एंड आई लव बर्मन साहब एंड इट विल बी वंडरफुल टू नो मोर एंड मोर अबाउट हिम एंड टेल द कंट्री मोर एंड मोर अबाउट हिम In the form of? In the form of a biopic, yeah, it'll be fun. Thank you so much. Sir, Nishikant बहुत अच्छा दोस्त है अच्छा फिल्म मेकर है इरफान बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है और मेरा दोस्त शैले सिंह की फिल्म है एंड बहुत खुशी है इस बात के फिल्म के काफ़ी चर्चे है पीपल आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फिल्म एंड आई एम श्योर इट विल बी ग्रेट वॉच जिस तरह से फिल्म को प्रमोट करा जा रहा है वो भी एक नया तरीका है नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात हो रही है अरविंद केजरीवाल से लोग मिलने की तैयारी इरफान मिलने नहीं मेरे ख्याल से ये अपने आप में बड़ी बात है आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि इतने लोग इन्वॉल्व पूरा टीम इन्वॉल्व इस पीआर में और मेरे ख्याल से अच्छी बात है मेरे ख्याल से आम इंसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू इस पिक्चर में दिखाया गया है उसके साथ पॉलिटिशियन के साथ मुलाकात तो अपने आप में बड़ी बात है और मेरे ख्याल से ओवरऑल पिक्चर एक सीरियस इश्यू बेस्ड फिल्म है जो मेरे ख्याल से डेफिनेटली वी ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस फिल्म थैंक यू